श्रद्धालुओं के लिए खुल गई पुरी का जगन्नाथ मंदिर एंड डॉक्यूमेंट को दिखाने के बाद ही मिलेगी एंट्री। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर अनलॉक के दूसरे चरण में सोमवार 16 अगस्त से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कहा है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक कहा गया है कि सभी भक्तों को केवल 23 अगस्त से दर्शन के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ओडिशा में कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच 3 महीने के लिए जगन्नाथ मंदिर बंद कर दिया गया था। 3 महीने के बाद 12 अगस्त को मंदिर को फिर से खोला गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के अनुसार पहले चरण में केवल परिवार के सदस्यों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। एसजेटीए ने कहा कि पूरी नगर पालिका एरिया में रहने वाले लोगों को 16 अगस्त से 20 अगस्त तक दर्शन के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मंदिर में दर्शन करने का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का होगा। मंदिर का एक अधिकारी ने कहा है कि आम जनता को 23 अगस्त से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हमारे पूरे झारखंड राज्य के सारे लोगों को 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री एवं कोल्हान प्रमंडल के प्रभारी विजय कुमार मेलगंडी। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिनहुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है। तो सोचो क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। वेलकम, यू हैव नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू हैव नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। Thank you.